सब्सक्राइब करें आजाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों आज मैं बिल्कुल खाली था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मतलब मुझे कहीं से कुछ लाना नहीं था, मुझे कहीं कुछ जाना नहीं था, इसलिए मैं बिल्कुल खाली था। मैं आज आराम से बैठा हुआ था, तभी सुबह को मेरे दोस्त आए, बोले आप एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, आप उसे देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मुझे लगा कि ऐसे ट्रेलर वगैरह तो रिलीज होती रहती हैं, चलो बाद में कभी देख लेंगे, अभी छोड़ दो, अभी आराम से बैठे आराम से जो थोड़ा बहुत आराम कर ले रहे हैं। तो मैंने सुबह को वो ट्रेलर नहीं देखा, उन्होंने कहा, फिर भी मैंने उस ट्रेलर को नहीं देखा, चलिए छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं आज सुबह को, मतलब आज शाम को, अभी कुछ टाइम पहले मुझे लगा कि चलो यार देख ही लेते हैं, तो मैंने उस ट्रेलर को देखा। उस ट्रेलर को देखने के बाद में आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, यार मतलब मुझे नहीं मालूम मोदी जी का सीना कितने इंच का है, योगी जी का सीना कितने इंच का है, या बीजेपी का सीना कितने इंच का है, या जितनी भी चीज़ें किसका सीना कितना है मुझे नहीं मालूम, पर मेरा सीना 96 से भी ऊपर का हो गया था, 56 से भी ऊपर का हो गया था। मतलब आप जितने मान लो, जितने से ज़्यादा मान सकते हो उसने ऊपर से मान लो उसका। क्योंकि यार दोस्तों एक चीज़ होती है ना कि मूवियाँ तो बहुत सारी रिलीज होती हैं, जैसे कि 2.0 है, केदारनाथ, केदारनाथ के बारे में तो मूवी बाद में बताऊंगा मैं, यार कैसी मूवी है, सबसे घटिया मूवी मुझे लगी तो केदारनाथ लगी, वो चलो छोड़ दीजिए आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और भी कई सारी ऐसी मूवियाँ बन चुकी हैं, पर यार मूवियाँ तो रोज़ ही बनती हैं, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता इन चीज़ों में। पर आज जो मैंने उसका ट्रेलर देखा ना, उसके बाद में कसम वाली बात यार ऐसा लग रहा था ट्रेलर देख के कि बिल्कुल हार्ट अटैक आने वाला नौबत आ गई थी यार, इतना एक्साइटमेंट था उस ट्रेलर में बहुत ज़्यादा। मतलब अब बात करते हैं दोस्तों है किस चीज़ के बारे में। ये पिक्चर एक आ रही है 2019 में दोस्तों, जिसका नाम है उरी। दोस्तों ये बनाई गई है पिक्चर पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जो भारत ने की थी, उसके बारे में दोस्तों ये बात सभी जानते हैं। और हालांकि कुछ टाइम पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस टाइम पे कांग्रेस ये चीख रही थी कि भैया सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और ना ही कभी हो पाएगा, ये बस एक कल्पना है जो कि आप लोगों को दिखाई जा रही है, कांग्रेस ये चीख रही थी। और आज उसी के ऊपर पिक्चर बन रही है, पूरी मूवी बन रही है, मूवी बन नहीं रही है, बन गई है, अब 2019 में रिलीज होगी। पूरी पिक्चर का नाम है उरी, URI, उरी। दोस्तों कसम से गजब की पिक्चर है यार, मतलब पिक्चर तो मुझे मालूम नहीं कैसी होगी, पर यार ट्रेलर जब मैंने उसका देखा ना भाई, जब मैंने तो देख लिया, पर पाकिस्तान देख के ना फटके फरक्काबाद पहुँच जाएगी उसकी, कसम से बहुत गजब का ट्रेलर है यार। जब मैंने उसे देखा उसमें हर एक सीक्वेंस, हर एक चीज़ इस तरह से दिखाई गई है कि बहुत ही, यामिनी गौतम ने जो काम किया है, यामिनी गौतम ने ही नहीं अब और भी कई ऐसे जो हैं उसमें एक्टर्स हैं जिनने बहुत ही बढ़िया काम किया है, लग रहा है कि यार हाँ यार देश के ऊपर पिक्चर बनी है। मतलब पिक्चर ने तो पहले भी बनी है, जैसे कि बॉर्डर बनी है, LOC कारगिल बनी है, पलटन बनी है, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें बनी हैं, पर वो कुछ चीज़ों के ऊपर दिखाई गई हैं। पर जो इसमें जो एक्साइटमेंट दिखाया गया है ना, जिस तरह से पाकिस्तान को बिल्कुल नीचे दिखाया गया है, बिल्कुल मतलब बाप बेटे वाला हिसाब दिखाया गया है इसमें, भारत को बाप दिखा दिया और पाकिस्तान को लड़का दिखा दिया, लड़के से भी नीचे यार पोता दिखा दिया, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गजब की दिखाई है पिक्चर यार। उस मतलब आप समझ सकते हैं एक ट्रेलर में जब इतना सब कुछ दिखा दिया तो पूरी मूवी में क्या होगा, मतलब बहुत गजब की यार। मैंने आज से पहले कभी नहीं रिव्यू बनाया, मैंने कभी नहीं मूवियों को देखा, मतलब मूवी को देख लेता था कि चलो आज अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में आ रहा है कमेंट तो चलो देख लेते हैं, इस तरह से मैंने कभी मूवी देख लेता था। पर यार इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा यार कि इस मूवी के बारे में रिव्यू मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि यार अगर ऐसी मूवी अगर फ्लॉप हो गई ना तो लालत है हम हिंदुस्तानियों पर यार, क्योंकि यार जिसमें पाकिस्तान को ऐसा दिखा दिया गया हो कि वो किसी भी हालत में ही ना बचा हो, मतलब बिल्कुल फूंक मारो उड़ जाए। तो दोस्तों ये कुछ खास जानकारी आप लोगों के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।